वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास टेंथ के लिए ज्योग्राफी के सबक नंबर 5 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊंगी। थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। सबसे पहले टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर के ज़रिए से ही एग्ज़ाम से मुतालिक हर उस कंसेप्ट को क्लियर करवाऊंगी जो कि आपके सिलेबस से होगा, ताकि आप एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन के आंसर को आसानी से लिख सको, ताकि आपका एग्ज़ाम से मुतालिक हर एक कंसेप्ट क्लियर हो सके। बच्चों, इसके अलावा अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन आंसर भी समझाऊंगी। ये क्वेश्चन आंसर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखना ताकि आपका हर कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। और बाकी के जितने भी चैप्टर्स हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में हैं, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 5 का नाम है मादनियात और तवानाई के वसाइल। तो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हम क्या समझेंगे कि मादनियात यानी कि मिनरल्स क्या होते हैं और तवानाई यानी कि एनर्जी यानी कि बिजली हमें किन किन चीज़ों से प्राप्त होती है। याद रखोगे कि मादनियात को इंग्लिश में मिनरल्स कहते हैं और तवानाई को एनर्जी कहते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे कि मादनियात क्या होते हैं, तवानाई हमें किन किन चीज़ों से एनर्जी प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, बिजली मिलती है किन किन चीज़ों से इस्तेमाल करने से। अब बच्चों, जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ कि किसी भी चैप्टर को समझने से पहले एक बार उस चैप्टर की कहानी को समझना निहायत ज़रूरी होता है। जब हमें चैप्टर की मेन थीम पता चल जाती है तो हम किसी भी क्वेश्चन के आंसर को दिमाग लगाकर आसानी से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर की कहानी को समझेंगे। तो बच्चों, मादनियात क्या होते हैं? तो देखो, एक बात ध्यान रखना कि हमें ज़मीन से बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि चट्टानों के अंदर से, ज़मीन के अंदर से, समुद्र के अंदर से। तो बच्चों, सारी ही चीज़ें इस्तेमाल के काबिल नहीं होती हैं। जो चीज़ें इस्तेमाल के यानी कि वसाइल की शक्ल में हम इस्तेमाल करते हैं वो मादनियात कहलाती हैं। जैसे कि बच्चों देखो, मादनियात हमें कहाँ से मिलते हैं? चट्टानों से, ज़मीन के अंदर से और समुद्र से। तो बच्चों, इन तीनों ही जगह पर से हमें और भी दूसरी चीज़ें मिलती हैं, मगर वो चीज़ें हमारे इस्तेमाल के काबिल नहीं होती हैं। जो धातें कुछ ही धातें ऐसी हैं जो कि हमारे इस्तेमाल के काबिल हैं, जो कि मादनियात की कैटेगरी के अंदर आती हैं। याद रखोगे कि मादनियात हमें कहाँ कहाँ से मिलती है? चट्टानों से, मैदानी इलाकों से, समुद्रों से, मिट्टी के अंदर से भी मिलती है, मगर ये सारी ही चीज़ें इस्तेमाल के काबिल नहीं होती हैं। वो सभी धातें जो कि हम वसाइल की शक्ल में, वसाइल का मतलब मैंने आपको बताया था कि ऐसी चीज़ें जिनसे हम पैसा कमा सकते हैं, जिनसे हमें फ़ायदा होता है, जब ये सारी ही चीज़ें वसाइल का रूप ले लेती हैं तो मादनियत कहलाती हैं। अब देखो बच्चों, मादनियत के अंदर धातें और अधातें दोनों ही आती हैं। धातों के अंदर क्या क्या होता है? जैसे कि लोहा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, स्टील वगैरह, ये सब क्या है? धातें हैं। और जो अधातें किसे कहते हैं बच्चों? जो कि धात नहीं है मगर ये भी मादनियात की कैटेगरी में आती हैं, जैसे कि चौक वाली मिट्टी होती है वो, रेत, नमक, ये सब क्या है? अधाते हैं, मगर ये भी मादनियात ही कहलाती हैं, मादनियात की ही कैटेगरी के अंदर कहलाती हैं। याद रखोगे कि मादनियात दो तरीके के होते हैं। पहले जो कि जिनके अंदर तंटता होती है, यानी कि जिन्हें पीटने पर वो कोई भी शेप इख्तियार कर सकते हैं। जैसे कि हम लोहे को अगर हथौड़े से ठोकेंगे तो हम उसे किसी भी चादर के अंदर, ग्लास में, डब्बे में, किसी भी शक्ल के अंदर रूपांतरित कर सकते हैं। अब अगर बच्चों हम संगमरमर को हथौड़े से चोट मारेंगे तो वो टूट जाएगा, वो कोई और शेप नहीं ले सकता है हथौड़े से पीटने पर। तो ऐसी चीज़ें जो कि हथौड़े से पीटने के बाद कोई शेप नहीं लेती हैं वो अधातें कहलाती हैं, अधातु कहलाती हैं, मगर ये भी मादनियात की ही कैटेगरी के अंदर आती हैं। तो ध्यान रखना कि ऐसी अशियाएँ जो ज़मीन के अंदर से निकलती हैं और जो वसाइल की शक्ल में हम इस्तेमाल करते हैं मादनियात कहलाती हैं, जैसे कि लोहा, स्टील, पेट्रोलियम, नमक, कोयला, चांदी वगैरह। अब बच्चों, तवानाई क्या है? तवानाई का मतलब मैंने बताया था कि एनर्जी, जैसे कि हम सूरज की रोशनी से बिजली पैदा करते हैं,
ऐसे ही पानी की एनर्जी से भी बिजली बनाते हैं, बायोगैस से भी बनाते हैं, पेट्रोल से भी बनाते हैं। ये सभी क्या है? तवानाई के ज़रिए हैं, यानी कि बिजली पैदा करने के ज़रिए हैं। जहाँ पर भी बच्चों तवानाई लफ्ज़ का इस्तेमाल आएगा तो आप अपने दिमाग में क्या रखेंगे कि तवानाई से हमें बिजली मिलती है। अब देखो बच्चों, मादनियत कहाँ पाए जाते हैं? तो बच्चों देखो, कुछ मादनियत ऐसे होते हैं जो कि लावा के रूप में चट्टानों के अंदर से पिघलकर चट्टानों में दरारें बनाकर लावा के रूप में बाहर आ जाती हैं, और ये लावा जब ठंडा हो जाता है और काफ़ी लंबे टाइम बाद ये लावा ठंडा होकर मादनियत की शक्ल ले लेता है। तो याद रखोगे कि ये चट्टानों से ज़मीन के अंदर से खुदाई करके निकाला जाता है। जब लावा गर्म होकर चट्टानों की दरारों से बाहर आता है और फिर जमकर ठंडा हो जाता है तो इससे मादनियत बनते हैं। ऐसे कौन कौन से मादनियत हैं जो कि लावा से ठंडा होकर बनते हैं चट्टानों के जरिए? तो याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जस्ता, तांबा, सिंक और सीसा ऐसे मादनियत हैं जो कि लावा के रूप में चट्टानों के अंदर से दरारें बनाकर लावा बाहर निकलता है और फिर वो जमकर ठंडा हो जाता है। तो इस जमाव से कौन कौन से मादनियत बनते हैं? जस्ता, तांबा और जिंक। अब बच्चों, कुछ मादनियत चट्टानों के टूटने से या चट्टानों के अंदर कोई केमिकल का रिसाव होता है कुदरती तौर पर, इस वजह से बनते हैं। तो चट्टानों के टूटने के बाद ये मादनियत बनते हैं, और ये डायरेक्ट ही हमें यानी कि मादनियत के रूप में नहीं मिलते हैं, यानी कि बच्चों ये कच्चे रूप में मिलते हैं। इन्हें साफ़ करके मादनियत बनाया जाता है, जैसे कि सोडियम और पोटाश। याद रखोगे कि चट्टानों के टूटने से और केमिकल के रिसाव की वजह से, जो कि कुदरती तौर पर होता है, कुछ मादनियत ऐसे भी बनते हैं, और ये मादनियत डायरेक्ट तौर पर चट्टानों से हमें नहीं मिलते हैं। इनको परिष्कृत किया जाता है, पास्चुराइज किया जाता है, साफ़ किया जाता है, तब जाके हमें ये मिलते हैं, जैसे कि सोडियम और पोटाश। अगला है जो बच्चों कुछ मादनियात हमें समुद्र से भी मिलते हैं, जैसे कि नमक और नमक के अलावा मैग्नीशियम भी है। तो कुछ मादनियात हमें समुद्र से भी मिलते हैं बच्चों, कुछ मादनियात हमें जलोढ़ मिट्टी से भी मिलते हैं, जैसे कि सोना, चांदी वगैरह। तो ये भी हमें डायरेक्ट रूप में नहीं मिलते हैं, इन्हें साफ करके, परिष्कृत करके सोना चांदी का रूप दिया जाता है, यानी कि कच्चे रूप में मिलते हैं हमें ये। अब देखो बच्चों, मादनियत को दो रूपों में डिवाइड किया गया है। पहला, आहिनी मादनियत, यानी कि ऐसे मादनियत जिनमें लोहे की मात्रा होती है, और ऐसे कुछ मादनियत जिनमें लोहे की मात्रा नहीं होती है। तो बच्चों, आहिनी मादनियत वो हैं जिनमें लोहे की कुछ मात्रा होती है, जैसे कि हेमेटाइट जो है, हेमेटाइट के अंदर लोहे की मात्रा पाई जाती है। इसी तरह से ऐसे मादनियत जिनके अंदर लोहा नहीं होता है, तो बच्चों लोहा के कौन कौन सी धातु के अंदर नहीं होता है? सोना, चांदी, चूना पत्थर, संगमरमर वगैरह के अंदर, मादन मिनरल्स के अंदर लोहा नहीं होता है। अब बच्चों याद रखना कि जिन धातुओं के अंदर लोहा होता है वो आहिनी मादनियत कहलाती हैं, और जिन धातुओं के अंदर लोहा नहीं होता है वो गैर आहिनी मादनियत कहलाती हैं। अब नेक्स्ट है तवानाई के रवायती वसाइल। तो बच्चों, कोयला, पेट्रोलियम और कुदरती गैस तवानाई के रवायती वसाइल हैं। इनसे पैदा होने वाली बिजली को सनातों और घरेलू इस्तेमाल और ज़राअत के अंदर इस्तेमाल में लिया जाता है। अब बच्चों, तवानाई के गैर रवायती वसाइल कौन कौन से हैं? तो तवानाई के ऐसे वसाइल जिनकी मकामी अहमियत है तवानाई के गैर रवायती मसाइल कहलाते हैं, जैसे कि ख़ास तौर पर शमसी तवानाई, हवा की तवानाई, बायोगैस या पन बिजली वगैरह। याद रखोगे कि तवानाई के गैर रवायती वसाइल कौन से हैं? बच्चों, ये ऐसे वसाइल हैं जैसे कि हम सूरज से प्राप्त करते हैं एनर्जी, हवा से, बायोगैस से, क्योंकि सूरज की रोशनी से बच्चों सोलर पैनल के ज़रिए बिजली पैदा की जाती है। इसी तरह से हवा से, जो बड़ी बड़ी आपने देखी होंगी पंखड़ियाँ सी लगी होती हैं, उनको चलाकर टरबाइन के ज़रिए बिजली पैदा की जाती है। इसी तरीके से पानी से भी बिजली पैदा की जाती है। तो ये तवानाई के यानी कि बिजली पैदा करने के गैर रवायती वसाइल हैं। और तवानाई के रवायती वसाइल क्या क्या हैं? जो कि है कोयला, पेट्रोलियम, कुदरती गैस वगैरह। अब बच्चों, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं, ध्यान से समझेंगे क्योंकि मैंने चैप्टर की मेन कहानी आपको समझा दी है, तो ये भी आपको बिल्कुल आसानी से समझ आएंगे। सबसे पहले है ऑप्शनल। तो पहला सवाल है,
मंदरजा झील में से कौन सी धात चट्टानों के गलने और सड़ने से बनती है और एक अफसुर्दा मादा के तौर पर निकलती है? तो बच्चों जो कोयला है, तो बच्चों आंसर है कोयला। याद रखोगे कि ऐसी निम्न में से यानी कि मंदरजा झील में से कौन सी धात चट्टानों के गलने और सड़ने से बनती है। अगला सवाल है, झारखंड में कोडरमा के मकाम पर मंदरजा झील में से कौन सी धात बड़ी मिकदार में पाई जाती है? तो बच्चों अबरक नाम की जो धात है वो झारखंड के कोडरमा में बहुत बड़ी मात्रा के अंदर पाई जाती है। बच्चों ये जो धात होती है, इसकी जो धात की परतें होती हैं 100-200 परतें भी मिलाकर जो इसकी मोटाई होती है वो सिर्फ 2 से 3 सेंटीमीटर तक की होती है। बच्चों अबरक की जो परतें होती हैं वो निहायत ही महीन होती हैं, बारीक होती हैं। ये कई रंगों के अंदर पाया जाता है अबरक। तो याद रखोगे कि झारखंड में कोडरमा के मकाम पर अबरक धात सबसे बड़ी मात्रा में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है। अगला सवाल है, मंदरजा झील में से किन चट्टानों की परतों में धातें जमा होती हैं? तो याद रखना कि रसूबी चट्टानों की परतों के अंदर धातें जमा होती हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि लावा के निकलने से दरारें पड़ने के बाद इन चट्टानों की जो परतें होती हैं उनके अंदर मादनियात बनते हैं, तो ऐसी चट्टानों को रसूबी चट्टानें कहते हैं। अगला सवाल है, मंदरजा झील में से कौन सी धात मोनाजाइट रेत के अंदर मौजूद होती है? तो बच्चों थोरियम मोनाजाइट रेत के अंदर मौजूद होता है। याद रखोगे कि थोरियम कहाँ से निकलता है? मोनाजाइट रेत के अंदर से निकलता है। अगला सवाल है, आहिनी और गैर आहिनी मदनियात किसे कहते हैं? इंट्रोडक्शन में मैं आपको समझा चुकी हूँ कि आहिनी यानी कि लोहे की मादनियात, यानी कि ऐसे सभी धातु जिनके अंदर लोहा पाया जाता है वो आहिनी मादनियात कहलाती हैं। तो एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखोगे? आहिनी यानी कि लोहे की मादनियात और गैर लोहा मादनियात के अंदर मंदरजा झील फ़र्क है। आहिनी यानी कि लोहे की मादनियात जिन धाती मदनियात में लोहे की मिकदार पाई जाती है उन्हें लोहे की मदनियात के नाम से पुकारा जाता है। मिसाल के तौर पर हेमेटाइट, ये मदनियात धाती सनतों की तरक्की के लिए बुनियाद का काम करती है। याद रखोगे कि हेमेटाइट के अंदर लोहा पाया जाता है और ये जो मदनियात है सनतों यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बुनियादी काम करती है। हिंदुस्तान अपनी मांग को पूरा करने के बाद भारी मिकदार के अंदर इस धाती मदनियात को गैर मुल्कों के अंदर भेजता है और पैसा कमाता है। अगला है गैर आहिनी यानी कि ऐसी मदनियात जिनके अंदर लोहा नहीं होता है। तो जिन धाती मदनियात अशिया में लोहे की मिकदार नहीं पाई जाती है उन्हें गैर लोहा मदनियात कहते हैं, जैसे कि सोना चांदी। ये मदनियात इंजीनियरिंग और बिजली की सनतों के अंदर अहम रोल अदा करती है। ये माशी बुनियाद को यानी कि माशी यानी कि पैसे से रिलेटेड बुनियाद को मजबूत करती हैं, अहम रोल अदा करती हैं। टेक्स्ट बुक का अगला सवाल है कि तवानाई के रवायती और गैर रवायती वसाइल कौन कौन से हैं? तो बच्चों तवानाई के रवायती और गैर रवायती वसाइल के अंदर मंदरजा झील फ़र्क होता है। तो रवायती वसाइल के अंदर कोयला, पेट्रोलियम, कुदरती गैस वगैरह आती है। याद रखोगे कि रवायती वसाइल क्या क्या होते हैं? कोयला, पेट्रोलियम, कुदरती गैस तवानाई के यानी कि बिजली पैदा करने के रवायती वसाइल हैं। इनसे पैदा होने वाली बिजली को नेशनल ग्रेड के अंदर भेजा जाता है और फिर वहाँ से सनतों, ज़राअतों और घरेलू ईंधन के रूप में इस बिजली का इस्तेमाल किया जाता है। इन ज़राए से तवानाई हासिल करने में ज़्यादा सरमाए यानी कि पैसे की पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। याद रखोगे कि तवानाई के रवायती वसाइल से बिजली पैदा करने के अंदर बच्चों ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है, ये महंगी पड़ती है। अगला सवाल है, तवानाई के गैर रवायती वसाइल बताना है। तो बच्चों तवानाई के गैर रवायती वसाइल क्या क्या है? जिनके अंदर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता है, जिनके इस्तेमाल से जैसे कि सूरज की रोशनी से बिजली पैदा करना, इसके अलावा हवा से बिजली पैदा करना, पानी से बिजली को पैदा करना वगैरह वगैरह। तो एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखोगे? ये तवानाई के ऐसे वसाइल हैं जिनकी बहुत ज़्यादा मकामी अहमियत होती है।
और अलहदा अलहदा इलाकों में तवानाई के नए ज़राए को फ़रोग देती हैं और घरेलू इस्तेमाल में लाई जाती हैं। तवानाई के गैर रवायती ज़राए के अंदर शमसी तवानाई यानी कि सूरज से पैदा होने वाली एनर्जी, हवा की तवानाई, मदोजजी तवानाई और बायोगैस वगैरह की एनर्जी शामिल है और बच्चों इसके लिए कम खर्च होता है। अगला सवाल है कि मादिन क्या होती है? तो बच्चों मादिन का मतलब है ऐसी कोई भी चीज़ जो कि ज़मीन के अंदर से निकलती है और जो कि हम वसाइल के रूप में इस्तेमाल करते हैं यानी कि धातु और अधातु के रूप में इस्तेमाल करते हैं वसाइल के रूप में, तो इसको मादनियत ही कहते हैं। तो कैसे लिखोगे? ऐसी कुदरती अशिया जिसकी एक मतीन अंदरूनी बनावट होती है इसे मादनियत कहते हैं। मादनियत कुदरत में मुख्तलिफ शक्लों के अंदर पाई जाती है। ये सख्त हीरे से लेकर सील खड़ी यानी कि चौक मिट्टी की चट्टान की तरह मुलायम भी हो सकते हैं। बच्चों हीरा भी एक मादनियत है। अब तक तकरीबन 2000 मादनियात की पहचान कर ली गई है, लेकिन इनमें से कुछ का ही इस्तेमाल हो रहा है जो कि वसाइल के रूप में कर रहे हैं हम, जिनसे हम फ़ायदा उठा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। अगला सवाल है, आतिश फिशानी और परतदार चट्टानों में मादनियात किस तरह से बनते हैं? क्या पूछा गया है कि आतिश फिशानी यानी कि ऐसी चट्टानें जिनके अंदर लावा होता है, वॉल्केनोस, और इसके अलावा परतदार चट्टानों के अंदर मादनियात किस तरह से बनते हैं? तो बच्चों देखो, मादनियात कच धात आतिश और तकसीर पजीर चट्टानों के जोड़, दरार और उनके किनारों पर जमा होते हैं। याद रखोगे कि मादनियात कच्चे रूप में यानी कि कच धात के रूप में आतिश फिशानी चट्टानों के जोड़ों के अंदर दरारों के किनारों पर जमा होते हैं। इनके छोटे छोटे जमाव की बहुत बड़ी तश्कील देते हैं यानी कि इनके छोटे छोटे जमाव जगह जगह बनते हैं जो कि बहुत बड़े रूप में होते हैं। बहुत सी चट्टानों में इनकी तामीर उस वक्त होती है जब ये रकीक यानी कि लिक्विड रूप में या फिर गैसीय हालत में होते हैं। याद रखोगे कि कुछ मादनियात चट्टानों में किस तरीके से बनते हैं? जब ये लिक्विड रूप में यानी कि लावा के रूप में या फिर गैस के रूप में हालत में होते हैं। दरारों के सहारे ये ऊपर की जानिब ढकेल दिए जाते हैं और ऊपर आकर ठंडे हो जाते हैं। ख़ास धाती मदनियात जैसे कि तांबा, जिंक, शीशा वगैरह इन्हीं दरारों से हासिल किए जाते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखोगे कि आतिश फिशानी और परतदार चट्टानों में मादनियात किस तरह से बनते हैं? तो बच्चों मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि पहाड़ों के अंदर से जब वॉल्केनो के अंदर, गर्म पहाड़ों के अंदर से जिनमें वॉल्केनो जिन्हें कहते हैं, तो उनमें से लावा जब इनकी चट्टानों और दरारों के अंदर परतों के रूप में जम जाता है और बाहर आकर ठंडा हो जाता है, तो ये मादनियत का रूप ले लेते हैं, जैसे कि क्या क्या, तांबा, जिंक, शीशा वगैरह। तो एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे एक बार और पढ़कर बताती हूँ ताकि अच्छे से आपके जहन के अंदर बैठ जाए। मादनियत कच्ची धातु के रूप में हमें आतिशी और तकसीर पसीर चट्टानों के जोड़, दरारों और उनके किनारों पर जमा होने से मिलते हैं। इनके छोटे छोटे जमाव मिलकर बहुत बड़ी तश्कील देते हैं। बहुत सी चट्टानों में इनकी तामीर उस वक्त होती है जब ये रकीक यानी कि लिक्विड रूप में या गैसीय रूप में होते हैं। दरारों के सहारे ये ऊपर की जानिब ढकेल दिए जाते हैं और ऊपर आकर ठंडे हो जाते हैं। ख़ास धाती मदनियात जैसे कि तांबा, जिंक, शीशा वगैरह इसी तरीके से बनते हैं। अगला सवाल है, हमें मदनी वसाइल के तहफ्फुज़ की क्यों ज़रूरत है? तो बच्चों मदनी वसाइल के तहफ्फुज़ की इस वजह से ज़रूरत है क्योंकि इनको बनने के अंदर बहुत लंबा टाइम लगता है। ये एकदम से जैसे कि आज हमने इस्तेमाल किए कल तो बनकर तैयार नहीं हो जाएंगे, इसलिए हमें इनका इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर ढंग से करना चाहिए। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे बड़े बड़े उद्योगों के अंदर, सनतों के अंदर इन मादनियात का बहुत बड़े तौर पर इस्तेमाल है, जैसे कि लोहे का। अब बच्चों किसी भी बिज़नेस के लिए लोहा तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इस्तेमाल होता है, इसी तरीके से कोयले का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो कैसे लिखोगे कि हम जानते हैं कि सनतें यानी कि उद्योग यानी कि बिज़नेस और ज़राअत यानी कि खेती बाड़ी मदनियात पर मुनहसिर करती है। याद रखोगे कि हम जानते हैं कि सनतें और ज़राअत मदनियात पर मुनहसिर करती हैं। हम मदनियात का इस्तेमाल लाखों सालों से कर रहे हैं और मदनियात की तामीर का
ज़मीनी अमल इतना धीमा है कि इनकी फराहमी और इनके इस्तेमाल के मुकाबले में गैर मुतमिन है, यानी कि हम इन मादनियात का इस्तेमाल जल्दी तो कर लेते हैं मगर ये दोबारा जल्दी नहीं बनते हैं। हमारे मुल्क में बेशकीमती मादनियात पाए जाते हैं। मदनी वसाइल के इस्तेमाल की कोशिशें जारी हैं लगातार इनको दरियाफ्त करने की। अदना दर्जे की मादनियात के इस्तेमाल में मुसलसल नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इनको और ज़्यादा फ़रोग मिल सके और इनका जो उपयोग है वो उचित ढंग से हो सके। धातों का कारोबार, अहिया और उनके मुंतकली तरीके हमारी मादनियात के तहफ़ में माविन साबित हो रहे हैं, यानी कि मददगार साबित हो रहे हैं। अगला सवाल है, हिंदुस्तान में कोयले की तकसीम को बयान करना है, यानी कि हिंदुस्तान में कोयला कहां कहां पाया जाता है। तो बच्चों, हिंदुस्तान में कोयला दामोदर वादी यानी कि मगरबी बंगाल और झारखंड, झरिया, रानीगंज और बोरकारो में पाया जाता है। याद रखोगे कि हिंदुस्तान में कोयला कहां कहां पाया जाता है, मैप में आपसे पूछा जा सकता है। तो क्या क्या लिखोगे? दामोदर वादी यानी कि मगरबी बंगाल, दामोदर वादी मगरबी बंगाल और झारखंड, झरिया, रानीगंज और बोरकारो। याद रहेगा कोयला कहां कहां पाया जाता है हिंदुस्तान में? दामोदर वादी मगरबी बंगाल, दामोदर वादी मगरबी बंगाल, झारखंड, झरिया, रानीगंज और बोकारो में पाया जाता है। गोदावरी, महानदी, सोम और विंध्या नदी की वादियों में भी कई किस्म के कोयले के जमाव पाए जाते हैं। इसके अलावा मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के अंदर भी कोयले की कानें पाई जाती हैं मगर ज़्यादा रूप में इन जगहों पर पाई जाती हैं। और इसके अलावा कहां कहां पाई जाती हैं? मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के अंदर पाई जाती हैं कोयले की कानें। अगला सवाल है, आपके ख्याल में शमसी तवानाई यानी कि सूरज के ज़रिए से हासिल होने वाली तवानाई मुस्तकबिल में हिंदुस्तान के लिए मुस्तकबिल में तवानाई का एक रोशन ज़रिया किस तरह से है? तो देखो बच्चों, हिंदुस्तान जो है फोटोवोल्टिक तकनीक के ज़रिए सूरज की रोशनी से बरकी तवानाई में तब्दील किया जाता है, यानी कि शमसी तवानाई को बरकी तवानाई में तब्दील करके बिजली पैदा की जाती है। और हिंदुस्तान बच्चों एक गर्म आबोहवा वाला मुल्क है तो यहाँ पर सूरज की जो शमसी तवानाई है आसानी से मुहैया हो जाती है। इसके अलावा बच्चों, सूरज की रोशनी से तवानाई हासिल करने के लिए, क्योंकि सूरज की रोशनी तो एक मुफ्त कुदरती ज़रिया है तो इससे बिजली हासिल करने के लिए बच्चों ज़्यादा पैसों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये सस्ती पड़ती है। तो एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे कि हिंदुस्तान में शमसी तवानाई का मुस्तकबिल रोशन है, इसकी वजूहत मंदरजा ज़ैल हैं। तो बच्चों, हिंदुस्तान में फोटोवोल्टाइक तकनीक के ज़रिए सूरज की रोशनी को बरकी तवानाई में तब्दील करके बिजली पैदा की जाती है। क्या लिखोगे कि हिंदुस्तान में फोटोवोल्टाइक तकनीक के ज़रिए सूरज की रोशनी को बरकी तवानाई में तब्दील करके बिजली पैदा की जाती है। हिंदुस्तान एक गर्म आबोहवा वाला मुल्क है इसलिए यहाँ शमसी तवानाई की पैदावारी सलाहियत ज़्यादा मुमकिन है। एक अंदाजे के मुताबिक शमसी तवानाई के ज़रिए 20,000 मेगावाट फी मुरब्बा किलोमीटर सालाना बिजली पैदा की जा सकती है। सूरज की रोशनी एक मुफ्त कुदरती तोहफा है इसलिए दरमियाना तबके के लोग आसानी से शमसी तवानाई का फ़ायदा उठा सकते हैं, मिडिल क्लास के लोग। इसके अलावा कोयला, पेट्रोलियम वगैरह एक बार के बाद इस्तेमाल में ख़त्म हो जाते हैं और ये महंगे भी पड़ते हैं और इन्हें दोबारा इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता है मगर बच्चों, शमसी तवानाई को मुसलसल यानी कि लगातार इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बच्चों, अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले, मैप में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन आंसर समझा रही हूँ, ध्यान से समझेंगे। धाती मदनियात की 3 मिसालें देनी है। तो बच्चों, धाती मदनियात क्या होती हैं? अभी मैंने बताया था आपको कि जब हम किसी धातु को जैसे कि लोहे को, सोने को, चांदी को, एल्युमिनियम को हथौड़े से पीटते हैं तो वो टुकड़ों के अंदर तो तकसीम नहीं हो जाती है, वो
शेप कोई भी शेप इख्तियार कर सकती है। तो ऐसी जितनी भी मदनियात हैं जो कि हथौड़े से चोट करने पर तार का रूप ले लेती है, किसी शीट का या किसी डब्बे का रूप ले लेती हैं, तो ऐसी सारी ही मदनियात धाती मदनियात कहलाती हैं। जैसे कि लोहे की कच धात, तांबा, मैग्नीस और निकल वगैरह क्या है, धाती मदनियात है। हिंदुस्तान में पाए जाने वाले 3 गैर धाती मदनियात। अब बच्चों, गैर धाती मदनियात कैसे हैं, जैसे कि अगर हम नमक को, रेत को या संगे मरमर को हथौड़े से पीटेंगे तो वो टूट कर टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा, मगर लोहा वगैरह हथौड़े से पीटने पर पतला होकर चादर का या किसी शीट का रूप ले लेता है। तो ऐसी धातें जो हथौड़े से तोड़ने पर टुकड़ों में तकसीम हो जाती हैं वो गैर धाती मदनियात कहलाती हैं, जैसे कि चूना पत्थर, संगमरमर, अबरक वगैरह। लोहा कच धात की 4 किस्में बतानी है, यानी कि बच्चों लोहे के लोहा कच धात के रूप में किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है, तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेमोटाइट और स्ट्रोआइट। अगला सवाल है, मैग्नीस का इस्तेमाल किस लिए होता है, तो हमेशा ध्यान रखना कि मैग्नीस का इस्तेमाल स्टील को बनाने के लिए किया जाता है। याद रखोगे कि मैग्नीस का इस्तेमाल स्टील को बनाने के लिए, इस्पात को बनाने के लिए किया जाता है। हिंदुस्तान के 4 अहम कच धात पैदा करने वाले सूबों के नाम बताने हैं। याद रखोगे कि हिंदुस्तान की 4 ऐसी स्टेट्स के नाम बताने हैं जहाँ पर लोहा कच्चे रूप में प्राप्त होता है, तो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और कर्नाटक। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और कर्नाटक के अंदर बच्चों लोहा कच धात के रूप में मिलता है, कच्चे रूप में मिलता है, और फिर बाद में इसको बहुत सारे प्रोसीजर के द्वारा लोहे की शक्ल दे दी जाती है। अगला सवाल है, मैग्नीस पैदा करने वाले 4 सूबों के नाम बताने हैं। तो देखो बच्चों, उड़ीसा के अंदर लोहा भी पाया जाता है, उड़ीसा में मैग्नीस भी पाई जाती है, तो याद रखोगे कि कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर मैग्नीस पाया जाता है। कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर मैग्नीस पाया जाता है। मैप में भी आ सकता है, सभी बच्चों को हिंदुस्तान का मैप उम्मीद करती हूँ कि स्टेट वाइज बहुत अच्छे से याद होगा, क्लास 6 के अंदर ही आपने लर्न कर लिया होगा। मगर जिन बच्चों को मैप के अंदर सभी स्टेट्स को वो नहीं पहचान पाते हैं तो अच्छे से लर्न कर लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आपको स्टेट्स पता नहीं होंगी कि कौन सी कहां पर है तो आपके मैप वाले क्वेश्चन के आप आंसर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। अगला सवाल है, हिंदुस्तान के 3 ऐसे इलाकों के नाम बताने हैं जहाँ पर पेट्रोलियम पाया जाता है। तो बच्चों, गुजरात, मुंबई हाई और आसाम। गुजरात, मुंबई हाई और असम के अंदर हिंदुस्तान में पेट्रोलियम पाया जाता है। याद रखोगे, गुजरात, मुंबई हाई और असम के अंदर। अगला सवाल है, हिंदुस्तान के 2 सबसे बड़े कोयला पैदा करने वाले स्टेट कौन कौन से हैं। तो कोयला हिंदुस्तान के अंदर मगरबी बंगाल और झारखंड में पाया जाता है। मगरबी बंगाल और झारखंड के अंदर कोयला पाया जाता है सबसे ज़्यादा। हिंदुस्तान की उस नदी वादी का नाम लिखिए जिसमें मदनियात के ज़खायर मौजूद हैं। तो बच्चों, दामोदर नदी वादी के अंदर मदनियात के बहुत सारे ज़खायर मौजूद हैं। अगला सवाल है, खेतड़ी किस लिए मशहूर है। तो बच्चों, खेतड़ी एक जगह का नाम है, ये तांबे के लिए मशहूर है जो कि राजस्थान के अंदर है। याद रखोगे कि तांबा राजस्थान के अंदर पाया जाता है, खेतड़ी नामक जगह पर। अगला सवाल है, हिंदुस्तान के 4 एटमी मराकज कौन कौन से हैं। तो बच्चों, हिंदुस्तान के 4 एटमी मराकज हैं तारापुर, राणा प्रताप सागर, कल्पक्कम और निरोरा। अगला सवाल है, नेवेली किस लिए मशहूर है और ये जगह कहाँ पर है। तो नेवली लिग्नाइट कोयले के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है जो कि तमिलनाडु में है। याद रखोगे कि नेवली लिग्नाइट कोयले के लिए मशहूर है जो कि तमिलनाडु में है। अगला सवाल है, कुदरती गैस के ज़खायर कौन कौन से सूबों के अंदर मौजूद हैं, जहाँ से कुदरती गैस निकलती है, ऐसी 4 स्टेट्स कौन सी हैं। तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आसाम और अंडमान निकोबार जज़ायर। याद रखोगे कि कुदरती गैस हिंदुस्तान में इसके ज़खायर कहाँ पर हैं, तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आसाम और अंडमान निकोबार जज़ायर के अंदर। अगला है, तांबा
हिंदुस्तान के किन सूबों में पाया जाता है? तो सबसे पहले है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के अंदर। याद रखोगे राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। अगला सवाल है तवानाई के रवायती ज़राए की मिसालें देनी है। तो तवानाई के रवायती ज़राए कौन कौन से होते हैं? कोई जो कि एक बार इस्तेमाल के बाद चीज़ों से ख़त्म हो जाती हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, कुदरती गैस और एटमी तवानाई। याद रखोगे तवानाई के रवायती ज़राए हैं कोयला, पेट्रोलियम, कुदरती गैस और एटमी तवानाई। तवानाई के गैर रवायती ज़राए कौन कौन से हैं? ईंधन की लकड़ी, कोयला, गोबर, ज़राती कचरा, चारकोल, शमसी तवानाई, हवा की तवानाई, बायोगैस वगैरह। याद रखोगे कि तवानाई के गैर रवायती ज़राए कौन कौन से हैं? ईंधन की लकड़ी, कोयला, गोबर, ज़राती कचरा, चारकोल, शमसी तवानाई वगैरह। अगला सवाल है बिहार में बाकी तेल साफ करने के कारखाने का नाम बताना है। तो बिरौनी नाम है। हिंदुस्तान के अबरक पैदा करने वाले 3 सूबों के नाम बताने हैं जहाँ पर अबरक पाया जाता है। तो बच्चों ये कई रंगों के अंदर पाया जाता है और बहुत पतली पतली परतों के रूप में होता है। इसकी पतली परतें इतनी बारीक, इतनी महीन होती हैं कि 100-200 परतें मिलकर सिर्फ 1 से 2 सेंटीमीटर मोटी परत बनती है। तो ये छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में अबरक पाया जाता है। हरा, नीला और भूरे रंग का होता है और भी पीले रंग का भी होता है। ऐसे मादनियत के नाम बताएं जिनसे एटमी तवानाई हासिल होती है। हिंदुस्तान में ये कहाँ पाई जाती है और हिंदुस्तान के ख़ास एटमी तवानाई के मराकज़ के नाम बताने हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एटमी तवानाई किस तरीके कहाँ कहाँ पर बनाई जाती है हिंदुस्तान के अंदर, यानी कि एटमी तवानाई के ज़रिए किस तरीके से बिजली पैदा की जाती है। तो जदीद यानी कि हाल के दौर में ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक एटमी तवानाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। एटमी तवानाई यूरेनियम, थोरियम वगैरह मादनियात से हासिल की जाती है। याद रखोगे कि जदीद दौर में ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक एटमी तवानाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। एटमी तवानाई यूरेनियम, थोरियम वगैरह मादनियात से हासिल की जाती है। यूरेनियम बिहार में मिलता है, थोरियम केरला के अंदर और एक्टिनियम राजस्थान में पाया जाता है। हिंदुस्तान के 4 एटमी तवानाई मराकज़ आपसे मैप के अंदर भी पूछे जा सकते हैं, अच्छे से लर्न कर लेना। तारापुर महाराष्ट्र और गुजरात में है, रावतभाटा राजस्थान के गोना के नज़दीक है, केलकम ये तमिलनाडु के चेन्नई के नज़दीक है, निरोरा ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के नज़दीक बना हुआ है। अगला सवाल है बॉक्साइट पैदा करने वाली 4 रियासतें कौन कौन सी हैं, यानी कि बॉक्साइट कौन कौन सी रियासतों से हमें हिंदुस्तान के अंदर प्राप्त होता है। तो झारखंड, उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र। झारखंड, उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर से बॉक्साइट मिलता है। हिंदुस्तान के 2 सबसे बड़े इलाकों के नाम बताएं जहां पर पेट्रोलियम पाया जाता है। तो याद रखोगे कि गुजरात, मुंबई और असम। गुजरात, मुंबई हाई और असम। हिंदुस्तान के 2 सबसे बड़े कोयला पैदा करने वाली जगहें कौन कौन सी हैं? तो मगरबी बंगाल और झारखंड है। हिंदुस्तान में लोहे की कच धात के ज़खायर कहाँ पर पाए जाते हैं? तो 2300 करोड़ टन है। मिकदार कितनी है कच धात की, लोहे की हिंदुस्तान के अंदर कितनी मिकदार है? तो इसकी मिकदार है 2300 करोड़ टन, जो दुनिया के कुल कोयले के ज़खायर का 20% हिस्सा है हमारे देश के अंदर। हिंदुस्तान के सबसे पुराने एटमी यानी कि एटमी तवानाई के ज़रिए बिजली बनाने वाले, बिजली पैदा करने वाले प्लांट का नाम क्या है? तो तारापुर है। राजस्थान और तमिलनाडु के एटमी तवानाई के मराकज़ के नाम बताने हैं। तो रावतभाटा राजस्थान के अंदर है, कल्पक्कम तमिलनाडु के अंदर है। उस सूबे का नाम बताइए जहाँ पर डिगबोई तेल का इलाका है, तो असम। अगला सवाल है बिहार में बाकी तेल साफ़ करने के कारखाने का नाम है बैरूनी।
ज़राअत में बिजली का इस्तेमाल क्यों बढ़ रहा है, यानी कि बच्चों खेती बाड़ी करने के अंदर बिजली का इस्तेमाल क्यों बढ़ रहा है। देखो बच्चों, ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से खाने पीने की चीज़ों की मांग भी ज़्यादा होगी, जिस वजह से ज़्यादा खेती बाड़ी की जाएगी पॉपुलेशन ज़्यादा होने से। तो ज़्यादा आबादी को ग़िज़ा फराहम करने के लिए ज़राअती पैदावार में बिजली का इस्तेमाल बढ़ रहा है, ताकि ट्रैक्टर मशीनें वगैरह को अब बच्चों इलेक्ट्रॉनिक तौर पर आ गई हैं, सिंचाई की भी सारी सहूलियतें बिजली से ही ट्यूबवेल से ही पूरी की जाती हैं। तो आबपाशी के ज़राए में किया जाता है बिजली का इस्तेमाल, इसलिए ज़राअत में बिजली की खपत में लगातार इजाफा हो रहा है। कुछ अहम मदनियात में हिंदुस्तान का मकाम कौन सा है, यानी कि कुछ ऐसी मदनियात जो कि अहम है हिंदुस्तान में, उनका मकाम यानी कि हिंदुस्तान इनको हासिल करने में कौन से नंबर पर है। हिंदुस्तान में लोहा, अबरक, मैग्नीस, टाइटेनियम, बॉक्साइट और कोयला मुनासिब मिकदार में पाया जाता है, जबकि सोना, जिंक, तांबा कम मिकदार में पाया जाता है। हिंदुस्तान के अबरक पैदा करने वाले 3 सूबे हैं, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। अबरक छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश और राजस्थान। बच्चों अगला सवाल है, लोहा इंसान की ज़िंदगी में किस तरह इनकलाब ला सकता है। तो बच्चों देखो, लोहा जो है हमारी किसी न किसी सनत में, किसी न किसी इस्तेमाल में, घरेलू इस्तेमाल में किसी न किसी रूप में इस्तेमाल होता है। इससे हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन आगे बढ़ता है, ज़राअत में भी इससे बहुत ज़्यादा तरक्की होती है। तो एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे कि लोहे की दरियाफ्त ने यानी कि खोज ने इंसान की ज़िंदगी में इनकलाबी तब्दीलियाँ पैदा कर दी हैं, जिसकी मिसालें मंदरजा ज़ैल हैं। क्या लिखोगे कि लोहे की दरियाफ्त ने इंसान की ज़िंदगी में इनकलाबी तब्दीलियाँ पैदा कर दी हैं, इसकी मिसालें मंदरजा ज़ैल हैं। लोहे की खोज की वजह से ज़राअत में नया इनकलाब आया। अब कुदाल और लोहे के हल वगैरह भारी मिकदार में बनने लगे थे, इससे पहले जब लोहा नहीं था तो खेती बाड़ी करना इतना आसान नहीं था। लोहे की खोज से बेशुमार सनअतों यानी कि उद्योगों को फ़र्ग मिला है, जैसे कि इसकी जिसकी वजह से कातना, बुनना, चमड़ा रंगना वगैरह आसान हो गया। इसके अलावा लोहे की खोज की वजह से जहाज़ों को बनाना, रेलगाड़ियों को बनाना यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आया है लोहे की ही वजह से। अगला है, तवानाई के मदनियाती वसाइलों के नाम बताने हैं। तो बच्चों देखो, तवानाई किसे कहते हैं, मैंने बता दिया है जिन जरियों से बिजली को पैदा किया जाता है। तो कोयला, मदनियाती तेल, एटमी मदनियात तवानाई के ख़ास जरिया ज़राए हैं यानी कि बिजली पैदा करने के। याद रखोगे कि कोयला, मदनियाती तेल यानी कि पेट्रोलियम और एटमी मदनियात की तवानाई के ख़ास ज़राए हैं। कोयला एक ख़ास सनअती ईंधन है और तवानाई हासिल करने का सबसे बड़ा वसीला है। सनअतों को ये कच्चा माल भी प्राप्त करता है। याद रखोगे कि कोयला सनअतों को कच्चा माल प्राप्त करता है और ये एक ख़ास सनअती ईंधन है यानी कि उद्योगों में इस्तेमाल करने वाला ख़ास ईंधन क्या है, कोयला है। कोयले से बड़ी बड़ी मिलों के अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी भट्टियाँ चलाकर बहुत सारे काम किए जाते हैं। मादनियाती तेल और कुदरती गैस ज़मीन के अंदर से चट्टानों से हासिल किए जाते हैं, ज़ेर ज़मीन से। ये भी तवानाई के ख़ास वसाइल हैं। इन सब का इस्तेमाल थर्मल पावर स्टेशन के ज़रिए बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। बिजली पैदा, याद रखोगे कि कुदरती गैस ज़ेरे चट्टानों से हासिल किए जाते हैं। ये तवानाई के ख़ास मादनियाती तेल और कुदरती गैस जो हैं तवानाई के ख़ास ज़रिए हैं। इनका इस्तेमाल थर्मल पावर स्टेशन के ज़रिए बिजली को बनाने में किया जाता है। यूरेनियम, थोरियम वगैरह एटमी तवानाई से हासिल, इनसे एटमी तवानाई हासिल की जाती है। किससे? यूरेनियम और थोरियम से एटमी तवानाई हासिल की जाती है और जिससे बिजली पैदा की जाती है। अगला सवाल है, कोयला, मादनियाती तेल और गैस को रकाजी ईंधन क्यों कहा जाता है।
इससे तवानाई हासिल करने की दो खामियां बतानी हैं। तो देखो बच्चों, कोयला और मदनियाती तेल जो है वो ज़मीन के नीचे से निकलता है, इसी वजह से इसको रकाजी ईंधन कहते हैं, क्योंकि इसे हम खुद नहीं बना सकते हैं। इसके अलावा इससे बिजली पैदा करने के दो नुकसान क्या हैं? पहली बात तो ये बहुत महंगा होता है, दूसरी बात एक बार इस्तेमाल के बाद ये ख़त्म हो जाता है, और फिर तीसरी बात क्या कि इससे पॉल्यूशन भी होता है। तो एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखोगे कि कोयला, मादनियाती तेल और गैस को रकाजी ईंधन के नाम से जानते हैं, इन्हें ज़मीन के अंदर से तहनशीन चट्टानों से हासिल किया जाता है। इन चट्टानों के अंदर जिंदा जानवर और पौधों के बाकियात मौजूद होते हैं, जो बहुत लंबे टाइम तक नीचे दबे रहने की वजह से इन चीज़ों का रूप ले लेते हैं। कोयला, तेल और गैस ऐसे मादनियात हैं जिनसे हरारी बिजली पैदा की जाती है, लेकिन इससे तवानाई हासिल करने की दो खामियां क्या हैं कि इन मादनियात के ज़खायर ख़त्म होने वाले हैं और ये जल्दी दोबारा नहीं बन सकते हैं। दूसरा ये कि इनके इस्तेमाल से माहौल आलूदा होता है और ये एक खर्चीला तरीका भी है तवानाई हासिल करने का। अगला सवाल है, एटमी तवानाई मुस्तकबिल की उम्मीद है, इस बात को बयान करना है। तो बच्चों देखो, तवानाई पैदा करने के लिए कोयला, मादनियाती तेल, पानी और एटमी मादनियात का इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों, हिंदुस्तान में एटमी तवानाई का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, इसकी वजहें बहुत सारी हैं। सबसे पहले कि कोयला, मादनियाती तेल का इस्तेमाल तो तवानाई हासिल करने में ज़्यादा दिनों तक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये तवानाई के नाकाबिले तजदीद ज़राए हैं, क्योंकि ये एक बार इस्तेमाल के बाद ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा पानी के ज़रिए भी यहाँ पर हिंदुस्तान में बसी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पानी कहीं पर ज़्यादा है तो कहीं पर कम है, इसलिए लगातार पानी के ज़रिए भी हम तवानाई हिंदुस्तान में हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जुनूब की नदियाँ हमेशा बहने वाली नहीं होती हैं, जिस वजह से हिंदुस्तान में पानी की कमी बाकी है। तो ऐसी सूरत हाल में तवानाई हासिल करने के लिए एटमी तवानाई पर डिपेंड होना पड़ेगा, अनहिसार किया जा सकता है। एटमी तवानाई के मराकस किसी भी जगह पर कायम किए जा सकते हैं बच्चों। एटमी तवानाई सस्ती भी पड़ती है दूसरी तवानाई के मुकाबले में, इसी वजह से कहा गया है कि एटमी तवानाई मुस्तकबिल के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है। अगला सवाल है, न्यू वैली क्यों मशहूर है, उस सूबे का नाम बताएं जिसमें ये वाकई है। तो न्यू वैली वे जगह है जो अपनी लिग्नाइट कोयले की कानों की वजह से हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। किस वजह से? लिग्नाइट कोयले की खानों की वजह से। यहाँ पर लिग्नाइट कोयले की सबसे बड़ी खाने हैं। ये जगह तमिलनाडु सूबे में वाकई है। याद रखोगे कि ये जगह तमिलनाडु सूबे में वाकई है और इसी वजह से इस सूबे का नाम भी कोयले की मादनियाँ के लिए काफ़ी मशहूर हो गया है, कोयले की वजह से इस सूबे का नाम तमिलनाडु का। अगला सवाल है, खेतड़ी क्यों मशहूर है, उस सूबे का नाम बताएं जिसमें ये वाकई है। तो बच्चों, खेतड़ी अपने तांबे की खान के लिए बहुत मशहूर है, जो कि राजस्थान में है। यहाँ के तांबे की कानों ने मुल्क की करेंसी की काफ़ी बचत की है। ये कानें राजस्थान सूबे में वाकई हैं और इसने राजस्थान का नाम हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर किया है। बायोगैस किया है और इसके फ़ायदे क्या हैं? तो सभी बच्चे जानते होंगे कि मवेशियों के गोबर वगैरह से बायोगैस को बनाया जाता है। तो बायोगैस तवानाई का एक बेहतरीन ज़रिया है। इसे मवेशियों यानी कि भेड़, बकरियों, गाय वगैरह के गोबर से मादों से तैयार किया जाता है। गोबर गैस प्लांट दही इलाकों में लोगों की तवानाई से मुतालिक ज़रूरतें पूरी करता है। याद रखोगे कि गोबर गैस प्लांट दही इलाकों में लोगों की तवानाई से मुतालिक ज़रूरतें पूरी करते हैं। इस गैस की तवानाई को घरों और गलियों को रोशन करने, ज़राअत और आबपाशी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि गोबर गैस से बनने वाली बिजली को घरों के लिए, गलियों को रोशन करने के लिए, ज़राअत और आबपाशी वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गैस प्लांट इनफरादी और इज्तिमाई दोनों तौर पर बनाए जा सकते हैं, यानी कि अपने पर्सनल तौर पर भी और बहुत बड़े कम्युनिटी के लिए भी बनाए जा सकते हैं। बड़े शहरों में बायोगैस फजलात वगैरह से बनाई जाती है, सीवर लाइन वगैरह से गंदी चीज़ें निकाल कर। शमसी तवानाई की दो खासियतें बतानी है, यानी कि सूरज के ज़रिए से मिलने वाली बिजली की दो खासियतें क्या हैं? तो लिखोगे कि शमसी तवानाई की खासियत मंदरजा ज़ैल है।
सूरज तवानाई का ख़त्म ना होने वाला एक ज़रिया है जो कि मुसलसल जारी रहता है। हमारी सरकार दही इलाकों में शमसी तवानाई के छोटे और दरमियाना मराकज के मंसूबे बना रही है। शमसी तवानाई का इस्तेमाल खाना पकाने, पानी गर्म करने और फसलों को सुखाने के लिए भी किया जा सकता है। बिजली पैदा करने के अलावा शमसी तवानाई का इस्तेमाल माहौल को आलूदा नहीं करता है और लोगों की सेहत पर इसका बुरा असर नहीं पड़ता है, और ये एक सस्ता तरीका है तवानाई हासिल करने का। इसलिए हम कह सकते हैं कि शमसी तवानाई का मुस्तकबिल काफ़ी रोशन है, क्योंकि हिंदुस्तान एक गर्म आबोहवा वाला मुल्क है। अगला सवाल है, मुंबई हाई क्यों मशहूर है? मुल्क के माशी हालत में इसकी क्या अहमियत है, क्योंकि बच्चों इस जगह पर सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में पेट्रोल पाया जाता है। मुंबई के नज़दीक साहिली इलाकों में मदनी तेल पाया जाता है, ये इलाका मुंबई हाई कहलाता है। याद रखोगे कि मुंबई के नज़दीक साहिली इलाकों में मादनियाती तेल पाया जाता है, ये इलाका मुंबई हाई कहलाता है। ये खोज मुल्क की तरक्की के अंदर मंदरजा झेल अहमियत रखती है। ऐसे वक्त में जब हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक तेल की कमी का एहसास कर रहे थे, उस वक्त मुंबई हाई के तेल के ज़खायर की खोज ने हमारे मुल्क में स्टील की कमी को पूरा किया, तेल की कमी को पूरा किया। कुछ साल ही में मुंबई हाई के ये साहिली इलाके हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा तेल वाले इलाके बन गए हैं कुछ ही सालों के अंदर, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। अगला सवाल है, तवानाई के काबिलियत अजीद वसाइल क्या हैं, मुनासिब मिसालें देकर बताना है। तो तवानाई के काबिलियत अजीद वसाइल ऐसे वसाइल हैं जिनका इस्तेमाल तवानाई हासिल करने के लिए मुसलसल किया जा सकता है, जो कि ख़त्म नहीं होते हैं। मिसाल के तौर पर पानी, सूरज, हवा, समुंदर की लहरें वगैरह काबिलियत अजीद वसाइल के अंदर आते हैं। मैग्नीस का इस्तेमाल क्या होता है? तो बच्चों देखो, मैग्नीस का इस्तेमाल आला किस्म के स्टील को बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा रंग बनाने में, जो कि हम पेंट वगैरह करते हैं, कीड़े मार दवाओं के अंदर, सीसा और बिजली की सनत में भी मैग्नीस का इस्तेमाल होता है। उड़ीसा और कर्नाटक में इस धात के बहुत बड़े ज़खायर हैं। याद रखोगे, उड़ीसा के अंदर लोहा भी पाया जाता है, मैग्नीस भी पाया जाता है, और स्टील भी इसके अंदर भी से बनाया जाता है। तो ये स्टील भी उड़ीसा में ही पाया जाता है सबसे ज़्यादा। तो उड़ीसा और कर्नाटक में इस धात के वसी ज़खायर हैं। उड़ीसा में इसकी काने मियोसगंज इलाकों में पाई जाती हैं। कर्नाटक में ये पहलगांव, चकमंगलूर, चलमंगूर, धाड़ वगैरह इलाकों में पाई जाती हैं। अगला सवाल है, मैग्नीस और एल्युमिनियम में से हर एक का एक एक इस्तेमाल बताना है। तो मैग्नीस लोहे के साथ मिलाकर उसको मजबूती फराहम करता है, जिससे कि स्टील बनाया जाता है। एल्युमिनियम हवाई जहाज़ों और बिजली के तारों को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों अगला सवाल है, एंथ्रासाइट और बिटुमिनस कोयले के में फ़र्क बताना है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कोयले की दो किस्में हैं। एंथ्रासाइट कोयला, ये कोयले की सबसे अच्छी किस्म होती है, जिसके अंदर कार्बन की मिकदार 95 से 90% तक होती है। ये कोयला ज़मीन की हलचल के नतीजे के अंदर इसके ज़खायर निचले हिस्सों में बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने की वजह से बनते हैं। हिंदुस्तान में ये कोयला सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही पाया जाता है। एंथ्रासाइट बिटुमिनस कोयला, इस कोयले में कार्बन की मिकदार 60 से 80% होती है, और हिंदुस्तान में ज़्यादातर यही कोयला इस्तेमाल किया जाता है। ये कोयला झारखंड, मगरबी बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अंदर पाया जाता है। बच्चों जो कोयले की टोटल किस्में होती हैं वो चार होती हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। जो बच्चों पीट कोयला होता है वो सबसे निचले दर्जे का कोयला होता है। इसके अंदर कार्बन की मिकदार सिर्फ 50% तक होती है। बिटुमिनस कोयले के अंदर कितनी होती है? 60 से 80। एंथ्रासाइट के अंदर पूरी 90% होती है। तो बच्चों यहाँ से मैंने आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझा दिया है। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।